नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अपने घर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हमने जो टॉपिक दिया है वो है जून के महत्वपूर्ण दिवस और उनसे जुड़े तथ्य। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज है जून 1 यानी कि 1 तारीख है जून की, तो इसी वजह से हमने सोचा कि महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट दिन है वो इन्हें लिया जाए। क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही है, तो इसी वजह से हमने ये आज टॉपिक लिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 तारीख से, यानी कि 1 जून। दोस्तों 1 जून को क्या है? 1 जून को होता है अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। बाल रक्षा से आप समझ गए होंगे जो बच्चों की रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चों की रक्षा करते हैं। अब एक इससे पहले एक स्टोरी सुन लीजिए। हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और फिर हुआ हमारा द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, और कुछ और भी युद्ध हुए, ठीक है। अब हुआ क्या, जो युद्धों में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, भाई जिनके मम्मी पापा मर गए, जो या मर गए या बिछड़ गए, कुछ भी हुआ हो, तो वो बच्चे तो अनाथ हो गए। अब उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? तो उस वजह से इस पर फोकस किया गया कि बच्चों की रक्षा कौन करेगा। तो सबसे पहली बार जो 1949 में सबसे पहली पहल की थी इसे रूस ने। किसने? रूस ने पहली बार कहा था कि बच्चों के बारे में सोचा जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1 जून 1950 को क्या हुआ, इसी पहल को यानी फॉलो किया था 51 देशों ने। कितने देशों ने? 51 देशों ने इसे फॉलो किया कि हाँ इस मैटर में कुछ सोचा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो तभी से क्या हुआ, तभी से ये जो अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 1 जून। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी है इससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। 1 जून को और एक दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस। अब दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, जो यूएनओ था यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा थी यानी खाद्य और कृषि संगठन, उसने कि जो दूध की जो गुणवत्ता है, यानी कि हमारे जीवन में दूध का महत्व क्या है, हमारे जीवन में दूध का क्या महत्व है, उसकी विशेषताएं, उसकी जो खूबियां बताने के लिए, दूध के प्रति जागरूकता करने के लिए ये जो है दिवस के रूप में मनाया। और इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत की यानी कि यूएनओ ने इसकी शुरुआत की, यूएनओ ने यानी कि यूनाइटेड, यानी कि हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो यूएनओ ने इसकी शुरुआत की 2001 से। कितने से? 2001 से इसकी शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, अब इसे रिलेट कैसे कर पाएंगे, भाई दोनों जून जून में ही 1 जून के, तो किसे ऐसे कैसे याद करेंगे? देखो 1 जून, जून का महीना होता है 6 महीना यानी 6ठा महीना। तो हम देखते हैं कि दोनों ही बच्चों से जुड़े पड़े हैं, कि पहले तो हमें बच्चों को बचाना है 1 तारीख को, यानी कि हमें क्या है, बच्चों को बचाना है। फिर बच्चों को कैसे बचाया जाए, बच्चों को पिलाया कहा जाएगा, दूध दूध पिलाकर हमें बच्चों को बचाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो 6 महीना होता है, जो मान लीजिए कोई बच्चा 1 तारीख को जन्मा 1 जनवरी को, और जून को हो गया 6 महीने का, तो आपको पता होगा कि ये कहा जाता है कि 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाया जाए, तो उस दूध के प्रति भी जागरूकता फैलाई जाती है, तो ऐसे ही इसके प्रति भी जागरूकता फैलाई गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, तो ऐसे हम रिलेट कर पाएंगे, इसे याद भी कर पाएंगे। अब दोस्तों क्या हुआ, अब बात करते हैं, एक इंपोर्टेंट डे है ये, तो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। एक विश्व पर्यावरण दिवस, एक और आता है विश्व योग दिवस, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले यहां कर लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों हुआ क्या था कि यूएनओ, कौन था? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ही कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मैटर में हम एक क्लास बढ़ेंगे, इसकी जो शाखाएं हैं 6 शाखाएं हैं, उस मैटर में हम बताएंगे क्या है। तो जो यूएनओ था उसने 1972 में सोचा कि जो पर्यावरण है इसकी कैसे भी रक्षा की जानी चाहिए, भाई क्यों, पर्यावरण यानी कि इंसान का और पर्यावरण का आपस में संबंध है, लेकिन इंसान क्या है, इंसान लालची होता जा रहा है, वो पर्यावरण का यानी कि पेड़ काट रहा है, अपनी जरूरत की पूरी पूर्ति करने के लिए वो पेड़ काट रहा है, लेकिन वो अति कर रहा है यानी कि अतिक्रमण कर रहा है किसी चीज का। हमें जब हमारा दो पेनों से काम हो रहा है तो हम 10 पेनों को यूज कैसे करें, जब हमारा काम एक पेड़ काटने से हो रहा है तो हम 10 पेड़ क्यों काटें, लेकिन वो 10 पेड़ काटने किसके लिए काट रहा है, अपनी जेब गर्म करने के लिए। तो इस वजह से इसको पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया कि इसकी जागरूकता फैलाई गई कि भाई पेड़ों को मत काटो,
ये जो वन्य जीव है उनको रक्षा करो, ठीक है। कब? 1972 में। 1972 में एक पहल और हुई थी, ये कब की बात है, 1972 की, ठीक है, यूएनओ द्वारा। 1972 में हमारे भारत में घटना और घटती है वन्य जीव यानी कि वन्य जीव रक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 में लाया जाता है इंदिरा गांधी के टाइम पे। और उसके बाद 1973 में लाया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ जानकारी थी, समझ में आ गया होगा, मैं लिख दूं, यानी कि 1972 में ही लाया जाता है भारत में, ये तो विश्व का हो गया, विश्व में मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है कौन सा, वन्य जीव रक्षण अधिनियम, अधिनियम पारित हुआ यहां, ठीक है। और उसके बाद 1973 में क्या हुआ दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के रक्षण, यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है एशियाई जो बाघ है उसके रक्षा की उसमें चला गया प्रोजेक्ट टाइगर अभियान, दोनों ही इंदिरा गांधी के टाइम में चलाए गए, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें आप याद कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, 6 जून अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है दोस्तों। तो 6 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो स्थापना हुई, पहले बनी जो समिति है, ठीक है, पहले क्या बनी, समिति, और उसके बाद ये, यानी कि मैं कहूं IOC, ठीक है दोस्तों, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की जो स्थापना हुई, कम्युनिटी काउंसिल कह लो, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। और उसके बाद यानी कि 23 जून को, ठीक है, 23 जून को ये डिसाइड किया गया कि जो IOC यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाएगा उसे 23 जून को मनाया जाएगा, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब बात करते हैं 8 यानी कि हमें विश्व महासागर दिवस की। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों यानी 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाएगा। अब क्यों मनाया जाएगा दोस्तों, आपको पता है कि हमारे महासागर कितने हैं, यानी कि ये रही आपकी पृथ्वी, ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये एशिया, ये यूरोप है, और ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है, यानी कि ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, और ये एशिया, ठीक है, ये अफ्रीका, क्या ये अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे क्या है। अब बात करते हैं महासागरों की, महासागर देखो दोस्तों कितने हैं, एक तो ये है कौन सा ऐसा सागर का कौन सा है, ये है आपका पहला नंबर, कह दूं मैं, नहीं पहला नंबर, दूसरा नंबर, एक ये है, ठीक, ये वाला, ये क्या है, महासागर है। तो ये कौन सा महासागर है, यह है प्रशांत महासागर, ठीक है, और इधर भी प्रशांत महासागर। दोस्तों पृथ्वी का जो गोल है, तो जब ये दोनों जब गोल को गोल करेंगे तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है। और फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा अटलांटिक, जिसमें टाइटैनिक जहाज डूबा था, दूसरा हो गया, ठीक है। एक यहां आता है दक्षिणी महासागर, कौन सा, दक्षिणी महासागर, ठीक है। एक आता है यहां जो एशिया के नीचे है, हिंद महासागर, कौन सा, हिंद महासागर, ठीक है दोस्तों, जो हमारे यानी भारत के जस्ट नीचे है, ठीक है। और एक इधर आता है यानी उत्तरी ध्रुव पे आता है आर्कटिक, कौन सा, आर्कटिक महासागर, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्कटिक महासागर है, एक अटलांटिक महासागर है, और एक अंटार्कटिका, ये महाद्वीप है, अंटार्कटिका ये टिका हुआ है इसलिए महाद्वीप है, ये आर्कटिक है तो इसलिए महासागर है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी कंफ्यूजन दूर करो, ये आर्कटिक महासागर है जो उत्तरी ध्रुव पर है, ये अटलांटिक महासागर है जो दोनों जो वो है अमेरिका उसके बगल में ऊपर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका जो आकार है एस आकार का है, जो हमारा हिंद महासागर है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि इंसान क्या है, आपको मैंने पहले बताया इंसान क्या है, अपनी जरूरत नहीं पूरी कर रहा है, अब वो जो प्रकृति के साथ खेल रहा है। तो महासागरों में जितना भी जो कहते हैं उसे प्लास्टिक है, कचरा है, कूड़ा है, और जितने भी तुम्हारे ये हैं
फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी है, सब कहां जा रहा है? महासागरों में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, नदियों से महासागरों में जा रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जो महासागर में जो जीव रह रहे हैं, यानी कि ब्लू व्हेल ले लो, जो डॉल्फिन ले लो, यानी बहुत से जीव रह रहे हैं महासागर में, और महासागर में यानी कहते हैं छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, ठीक है, जो शैवाल भी होते हैं। तो क्या है, भारत जो भारत के नहीं, विश्व में जो एक डायवर्सिटी है उसे बना के रखते हैं, यानी जैव विविधता को बना के रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो संतुलन बना रहता है, ऑक्सीजन मिली है तो ये सारी संतुलन बना रहता है। अब इंसान ने क्या कर दिया, इतना अतिक्रमण कर दिया है कि संतुलन बिगड़ने लगा है। भाई अगर महासागर में जीव नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? इंसान पे पड़ेगा। भाई पानी में कर हो जाएगा, पानी से नमक बनता है, फिर नमक को इंसान खाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम अगर अपना हमने अतिक्रमण नहीं होगा तो हमारे लिए खतरा होगा, जैसे कोरोना की वजह से हो रहा है। इंसान ने भाई कुछ भी खाते खाने से क्या है, कुछ भी खाना शुरू कर दिया, चीज वालों ने चमगादड़ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि ये अतिक्रमण हो गया। फिर कुछ भी मिल रहा है उसे खा रहे हो तुम, तो उससे क्या हुआ, अतिक्रमण होगा। अतिक्रमण से फिर इंसान पे इसका जो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि एक सोची गई, भाई जो यूएनओ ने है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी ने सोचा कि क्या किया जाए। संयुक्त राष्ट्र की सभा है, महासभा, उसका एक अंग है, तो उसने सोचा कि क्या किया जाए जिससे महासागर, जो हमारे महासागर हैं, वो यानी कि उनमें कुछ सुधार हो। तो एक नियम पारित किया विश्व महासागर दिवस के रूप में। इसमें क्या है, जागरूकता फैलाई जाती है कि आप जो है महासागरों की रक्षा करें, यानी कि जो गंदा पानी है उसे महासागरों में न डालें, किसी ऐसी जगह फैला दें जिससे धरती सोख ले। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे करके हम जल प्रदूषण से बच सकते हैं। तो ये थी थोड़ी जानकारी किसके मैटर में, 8 जून विश्व महासागर दिवस के रूप में। और इसी में देखो 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। अब ये किस लिए होता है, पहले बात में ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, तो ये होता क्यों है? ब्रेन ट्यूमर होता है दोस्तों गंदगी वजह से। किसकी वजह से? गंदगी की वजह से। और जो हम जो हमारे फल, जो हम रासायनिक से फल पकाते हैं, आपको पता है कि फलों को पका, एक तो प्राकृतिक रूप से फल पकड़ते हैं, यानी कि आम लटक रहा है वो आप प्राकृतिक रूप से पक रहा है, वो अच्छा है हमारे लिए। अब क्या है, इंसान क्या सोच रहा है कि जल्दी जल्दी फल पका दें, जल्दी बेच दिया जाए, तो क्या है इंजेक्शन इंजेक्शन यूज करता है, दवाइयां यूज करता है, उससे क्या है जो फल हम जल्दी पक जाते हैं, जल्दी बिक जाते हैं, तो उन फलों को खाने से क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्रेन ट्यूमर। अब याद कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला कनेक्ट किया था 1 तारीख को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस, अब बच्चे क्या पीते हैं? दूध। तो 1 तारीख को क्या पियेंगे? वो दूध पियेंगे। ऐसे ही यहां देखते हैं हम कि विश्व महासागर दिवस, गंदगी हुई महासागर में, ठीक है, गंदगी हुई महासागर में, उससे क्या हुआ, वो पानी हमने पी लिया गंदा, और गंदा पानी पीने से क्या हो गया, हमें ब्रेन ट्यूमर हो गया। क्या हो गया? ब्रेन ट्यूमर। ठीक है दोस्तों, समझ में आना? तो आपस में रिलेट करना सीखो, आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी, यानी कि हमें केवल एग्जाम ही नहीं निकालना है, कुछ जो हमारी जो जरूर, यानी कि हमारी जो नैतिकता है, कर्तव्य है, उनका उनके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी गंदा पानी उसे थोड़ा मतलब इधर उधर फेंकना सीखो, नालियों में मत डालो, जो नाली जाती है नदियों में, नदी जाते हैं महासागरों में, तो कुछ प्रकृति के बारे में भी सोचो। अगर तुम प्रकृति के बारे में सोचोगे, प्रकृति आपका दोहन करना शुरू कर देगी, जैसे अब हो रहा है, प्रकृति बदला ले रही है आपसे कोरोना की हेल्प को लेके। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो आपका क्या हो गया, विश्व महासागर दिवस, और 8 जून को ये हो गया ब्रेन ट्यूमर दिवस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विश्व नहीं अमर शहीद बिरसा मुंडा पुण्यतिथि। अमर शहीद बिरसा मुंडा पुण्यतिथि, दोस्तों पहले बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं कि है कौन। दोस्तों ये जो है इन्हें कहा जाता है आदिवासी भगवान। कौन, मैं यहां लिख देता हूं, बिरसा मुंडा, ठीक है, इन्हें कहा जाता है आदिवासी भगवान। ठीक है, समझना है? तो इनकी थोड़ी जो इनका जो परिचय है वो समझ लेते हैं। अब क्यों कहा जाता है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1875 में। ठीक है, कहां हुआ, जो आपको पता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहां है? ठीक है, छोटा नागपुर पठार के हुआ। ठीक है, फिर अब हुआ क्या कि 1900 ऐसे ही है क्या भाई, आदिवासी थे, तो आदिवासी क्या है, जो पेड़ों से, जंगलों से, यानी प्रकृति से ज्यादा प्रेम रखते हो। हम पूछते हैं देवी देवताओं को, पत्थरों को, वो पूछते हैं यानी पेड़ों को। ठीक है, तो उनका जो मैं मानता हूँ, उनका जो पूजना है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है हमारे अकॉर्डिंग। हम पूछते हैं पत्थर की मूर्तियों को, वो पूछते हैं ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को। आपने सुना होगा चिपको आंदोलन। ठीक है, ये कुछ जो आंदोलन हुए ये इसी वजह से हुए, यानी प्रकृति के बारे में सोचा इंसान ने। तो जो आदिवासी है प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं, पेड़ों को अपना भगवान मानते हैं। तो ऐसा ही ये था, और टाइम ये था अंग्रेजों वाला। तो जो आदिवासी थे, तो जो अंग्रेज थे आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे थे, यानी उनके पेड़ काट रहे थे। ठीक है, उनसे जो कर होता है, टैक्स होता है, जो लगान होती है उसकी उनकी वसूली करते थे, यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से। तो
बिरसा मुंडा जैसे देख देख देखते बड़े हुए, उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने गुट बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया? गुट। उससे क्या हुआ कि इन्हें कई बार फिर जेल भी जाना पड़ा, शिकायत हुई इनकी, तो अंग्रेज किसी को भी धर लेते थे पहले, तो पता चला कि ये गुट बना रहे, तो इन्हें रख लिया गया कई बार, कि फिर छोड़ दिया गया। लेकिन फिर इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारा 1995 यानी 20 साल के हो गए ये। उस टाइम क्या हुआ, यानी कि 1895 में क्या हुआ कि इन्होंने आंदोलन कर दिया, यानी लगान के खिलाफ इन्होंने कर दिया कि हमारी लगान माफ करो, अंग्रेज कर नहीं रहे थे, इन्होंने यानी कि विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में इन्हें जेल जाना पड़ा, इन्हें जेल जाना पड़ा और 2 साल की जेल हो गई। 2 साल की ना क्या हो गई, जेल हो गई। ठीक है दोस्तों, जो 2 साल की जेल हो गई तो फिर कितने में आएंगे ये, 1897 में फिर वापिस आइए, लेकिन फिर भी नहीं माने ये, फिर वही अपना सक्रिय कर दिया उन्होंने आंदोलन, फिर जनता को इकट्ठा किया, फिर अपने गुट बनाया। तो फिर क्या हुआ, 3 साल बाद, यानी कि कितना, 3 साल बाद 1900 में, ठीक है, 3 फरवरी को, 3 फरवरी को क्या हुआ, फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, फिर इन्हें कर लिया गया गिरफ्तार, और यहीं कितने 9 जून को इनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, इनकी हो जाती है मृत्यु। तो इसी को जो आदिवासी हैं वो इनके अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ये डाटा था। ठीक है, तो इसलिए वो आदिवासी क्या है, आदिवासी में मानते हैं अपना भगवान, कौन मानते हैं भगवान। और आदिवासी का इलाका कौन सा है, ये आपका रहा MP और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये जो है इलाके किसके हैं, आदिवासियों के इलाके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आदिवासी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है थोड़ी जानकारी। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व भू गर्भ जल दिवस के रूप में, यानी कि 10 जून दोस्तों, 10 जून यानी कि विश्व भूगर्भ जल दिवस, यानी कि तो इसे क्यों मनाया गया, तो आपको कुछ याद हो, मुलायम सिंह आपको याद है, मुलायम सिंह यादव जो थे किसके पार्टी के, कौन सी पार्टी के थे, सपा के, कौन सी पार्टी के थे, सपा पार्टी, यानी अखिलेश यादव के पिताजी थे ये मुलायम सिंह यादव। इन्होंने 2005 में लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया कि भाई जो पानी का तो दोहन मत करो, जागरूक किया, ठीक है, दोहन मत करो। ठीक है, इन्होंने जागरूकता फैलाई और जल संरक्षण के तरीके बताए, यानी कि आप क्या करें, जल संरक्षण करें। जल संरक्षण करने के कई तरीके हैं, यानी कि आप जो खेतों में सिंचाई करते हैं उसे ऐसा नहीं कि आपने ट्यूबवेल चलाया छोड़ दिया रात भर पानी चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी यूज करना चाहिए। तो ये थोड़ी यानी कि थोड़ी थोड़ी अगर हम एक बाल्टी भी रोज पानी बचाएंगे तो हमारे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जागरूकता फैलाई मुलायम सिंह यादव ने, ठीक है, 1905 में। तो इसीलिए इनसे प्रभावित होकर ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। ठीक है, कौन सा, 10 जून को मनाया जाने लगा विश्व भूगर्भ जल दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, तो ये रहे कि कहां तक पहुंच गया, 10 से 10 तक बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमने 10 तक तो कर लिया था, अब 10 से आगे बढ़ते हैं 12 जून को। 12 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध। ठीक है, कौन सा, विश्व बाल श्रम निषेध, यानी कि बच्चों पे काम ना कराया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से दिन को मनाया जाता है, 12 जून को। 1 जून को मनाया जाता है बाल रक्षा दिवस, और यानी कि कितने, एक 12 महीना वो हो गया, ये मान लीजिए 1 जून को क्या मनाया गया था, बाल रक्षा दिवस। ठीक है, बाल रक्षा दिवस। ठीक है, अब एक यानी कि मान लो 1 महीने का है जब बाल की रक्षा करो। ठीक है, 1 महीने का हो जो बच्चा उसकी रक्षा करो, अब 12 महीने का हो जाए तो उसे काम पर मत भेजो, यानी कि बाल श्रम निषेध, कौन सा, बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाओ।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें कनेक्टिंग करना सीखो। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इस पर कानून भी बना है, आपको पता हो, जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी है, मूल अधिकारों में भी है और मूल कर्तव्यों में भी है। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार में यह है हमारा 24वां अनुच्छेद। ठीक है, कौन सा? 24वां अनुच्छेद, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चे, यानी 6 से बड़े 14 साल और 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको कारखानों में काम नहीं दिया करने दिया जाएगा, या कारखाना यानी कि जहां पे जान जाने का जोखिम हो। ठीक है दोस्तों, तो वहां काम नहीं करने दिया जाएगा। और ये जो ये कहा है अनुच्छेद 24 में, ठीक है, जो मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य में ये जो हमारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है, ठीक है, 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया है, 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया है हमारा, वो इसी पर है कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें तुम पढ़ाओ, ना कि उन पर मजदूरी कराओ। ठीक है दोस्तों, तो और नीति निर्देशक तत्वों में भी है ये, तो ये क्या है, ये एक अभियान है, यानी बच्चों को श्रम से बचाने का, यानी कि ये बच्चे क्या होते हैं, ये आने वाला भविष्य होता है। अब तुम इन पे मजदूरी कराने लग जाओगे तो आगे जाके ये क्या करेंगे, खाली मजदूरी करेंगे और मर जाएंगे। इन्हें कुछ ये क्या है, मानव पूंजी है, इन पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, ये आगे जाके आपको प्रॉफिट देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना? ठीक है, तो ये अनुच्छेद भी लिख लेना, जो अनुच्छेद 24 है उसमें है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन पे कानूनन या अगर कोई कारखाने में काम कराता है तो उस पे कार्रवाई होगी। और मूल कर्तव्य में कौन सा है, 11वां कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यानी कि 2 दिन बाद आ जाता है विश्व रक्तदान दिवस, यानी कि कोई बच्चा कारखाने में कार्य कर रहा है, अगले दिन उसे चोट लग गई, उसे खून की जरूरत है, क्या है, खून की जरूरत, तो तुरंत क्या है, हमें रक्तदान देना चाहिए। क्या करना चाहिए, रक्तदान देना है। तो ये किसने किया, ये किया WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, कब किया, 2004। ठीक, कब, जब अंडमान निकोबार में वो आई थी सुनामी, ठीक है, तब। तो ऐसे घटना को कलेक्ट करना सीखो। तो यह मान लो कि जो 12 को क्या हुआ भाई, एक को बच्चा जन्मा, 12 साल बाद तुमने माना नहीं, तुमने उसे कारखाने में काम करने भेज दिया, 2 दिन बाद उसके चोट लग गई। ठीक है, अब उसे क्या है, किसकी जरूरत है, खून की जरूरत है, तो हम उसे खून दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कनेक्ट करना सीखो। तीसरा है दोस्तों 15 जून कबीर जयंती। कबीर बहुत ही फेवरेट है, मेरे तो ज्यादा फेवरेट है, मैं जो मेरा जो मार्ग है मैं शायद कबीर को ही फॉलो करता हूँ, यानी कि ना हिंदू ना मुस्लिम। ठीक है, जहां बुरा है लोगों को टोक दो, जहां अच्छा है उसे अपना लो। ठीक है, वही जो कबीर का सिद्धांत है। ठीक है, ना तो कबीर हिंदू में गिने जाते हैं ना मुसलमानों में, कबीर एक ऐसे शख्सियत है जो हिंदू भी पूछते हैं इन्हें और मुसलमान भी पूछते हैं। ठीक है, एक ऐसी शख्सियत है, और जो कबीर है उन्होंने दोनों को गाली दी है, यानी कि अगर हम कहें कि हिंदू के पक्ष में इन्होंने जो बात कही है वो है कि पत्थर पूजन हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार, यानी कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजूं, नहीं तो जिससे तो चाकी भली है कम से कम उससे हम पीस के खा तो लेते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा जो हिंदू पत्थर पूजा करते हैं, मुसलमानों को भी नहीं बख्शा इन्होंने, मुसलमानों को नहीं कहा इन्होंने कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचट मुल्ला भाग दे क्या भैरा हुआ खुदा है, यानी कि तुमने जो कंकड़ पत्थर से मस्जिद बना ली, ठीक है, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली तुमने, अब तुम उस पर बांध दे रहे हो, यानी कि चिल्ला रहे हो माइक पे, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है भाई, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हारा खुदा बहरा थोड़ी है, खुदा क्या है, खुदा मन की बात समझ लेता है, तो उसे चिल्लाने की जरूरत क्या है। तो ये दोनों ही, यानी कि दोनों को लपेटा उन्होंने, हिंदू को भी लपेटा मुसलमान को भी लपेटा। अब इनके जन्म के, यानी कि फिक्स जन्म डेट तो पता नहीं है, लेकिन एक जो विक्रम संवत है उनकी एक उनका ही दोहा है कि 1455 साल गए चंद्रवार के ठाठ रहे, जेठ सुदी बरसात को पूरनवासी प्रकट भए,
तो ये इनके जो जन्म के रूप में एक वो है दोहा, इन्हीं का दोहा है, ठीक है। तो जब अब कभी इनके बारे में पूछा कभी का जन्म को हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1300 हिंदू में 1398 में माना जाता है इनका जन्म, ठीक है। अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो 1455, बताया था आपको मैंने कि 1455 साल गए चंद्रवार के ठाठे और जेठ सुदी बरसात को पूरनवासी प्रकट हुए। तो ये उनका अगर विक्रम संवत में पूछी जाएगी तो ये है, और जो हमारे जो आज का कैलेंडर में पूछी जाएगी तो 1398, और जो ये जिए थे 120 साल माना जाता है ऐसा, ठीक है दोस्तों। इनके अगर आपको यानी कि अगर समाज से जुड़ना है, यानी कि एक इंसानियत सीखनी है, तो आपके कबीर को एक बार पढ़ के जरूर देखें। यानी कि न हिंदू न मुसलमान, यानी कि किसी भी संप्रदाय से अगर आप किसी भी संप्रदाय में बन जाते हैं तो आप इंसान नहीं होते, ठीक है। इसमें मैंने जो लिखा था वो ये था कि जो कट्टरता है, कट्टरता इंसान को, यानी कट्टरता इंसान की जाहिलता की परिचय है, यानी कट्टर जो इंसान है वो एकदम जाहिल माना जाता, मानता हूं मैं उसको, कट्टरता आपकी जाहिलता की परिचय है। फर्क इससे कोई नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आप कट्टर हो तो आप इंसान नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 17 जून सूखा मरुस्थलीय नियंत्रण दिवस, ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्या है, यानी कि आपको पता है कि हमें जीने के लिए कम से कम पेड़ की जरूरत है, तो पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर पेड़ होने चाहिए, तो माना जाता है, ये क्वेश्चन आता भी है कि 33% पर कम से कम क्या होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। 33% पर वृक्ष होने चाहिए, और हमारे भारत में देखी जाए तो अभी हमारे पास 23% ही वृक्ष है, ठीक है। कितने 23% ही वृक्ष है, 10% हमारे पास है नहीं, और अब काटते जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये उसी है, अगर तुम वृक्षों को काटोगे तो सूखा होगी, मरुस्थल बनेगा, तो उस पर नियंत्रण लगाने के लिए, यानी कि आप धरती को हरा भरा कर सकते हो, मरुस्थली नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पर एक यानी जागरूकता फैलाने के लिए ये एक दिन बनाया, ठीक है। और जो इसकी घोषणा हुई थी कब से मनाया जा रहा है, यानी कि 1995 से ये मनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, ये दोस्तों फादर्स डे 17 जून को मनाया जाता है फादर्स डे के रूप में, यानी कि जो पिता के रूप में, पिता दिवस के रूप में, पितृ दिवस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी अपने पिता को बहुत ही प्रेम करते होंगे, आशा करता हूं तुम्हें सभी करते हैं, तो एक उनके लिए दिवस है। ऐसा नहीं कि इसी तारीख को मनाया जाता, कई बार ऐसा होता है 16 को मना लिया जाता है, कई बार 18 को मना लिया जाता है। तो इसकी यानी कि ये 2020 का है, यानी कि अब कब मनाया जाएगा, 17 को मनाया जाएगा। लेकिन अब ये इसकी फिक्स क्या डेट है कि जो जून का महीना होगा उसका जो तीसरा रविवार होगा, तीसरा रविवार यानी कि तीसरा जो थर्ड जो संडे होगा उसको ये मनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। तो ये था फादर्स डे के रूप में, और जो सबसे पहली बार मनाया गया था ये 1910 में मनाया गया था, फिर लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई यानी कि अंतरराष्ट्रीय रूप में तो वो हुई थी 1972 में, 1972 में जो मादर फादर्स डे की जो शुरुआत हुई थी 1972 में हुई थी विश्व रूप में, नहीं पहले बनाया गया था 1910 में, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, गोवा क्रांति दिवस, कब गोवा क्रांति दिवस, दोस्तों आपको पता है कि हमारा ये गोवा एक ऐसा वो है राज्य है जो सबसे बाद में आजाद हुआ, सबसे बाद में आजाद हुआ, क्यों कि सबसे पहले जाए गोवा कहां, यहां, ठीक है, महाराष्ट्र से नीचे और कर्नाटक के बीच में छोटा सा एक हिस्सा है, पहले ये क्या था केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस पे कब्जा था किसका, कब्जा था इस पे अंग्रेज, उसका पुर्तगालियों का, कौन थे यहाँ पे,
पुर्त गाली थे यहाँ पे। तो दोस्तों पुर्तगाली यानी कि एक आपने सक्सेस सुनी हो जो है राम मनोहर लोहिया। कौन था? राम मनोहर लोहिया। आपने बस जो चल रही है अखिलेश यादव जी ने जो चलाई है बस, वो इन्हीं के नाम पे चलाई है वो, यानी कि जो सपा पार्टी है इन्हीं के इन्हीं को फॉलो करती है। तो इन्होंने बहुत ही यानी कि जो आजादी में बहुत ही सक्रिय रहे हैं। इन्होंने 1946 में, कब? 1946 में जो पुर्तगाल में जो पुर्तगाली के खिलाफ भड़का दिया था किसे, जो यहाँ पे जो रह रहे थे लोग गोवा वासियों को कि भाई तुम आजाद हो जाओ, तुम क्रांति क्यों नहीं कर रहे, पूरा देश आजाद हो चुका है, ठीक है। तो इन्होंने और पहले इनको जो रख लिया गया था। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, यानी कि मैं कहूं कब ये हुआ था, 19 दिसंबर 1961 को ये पुर्तगालियों से आजाद हुआ। किससे? पुर्तगालियों से आजाद हो गया ये, ठीक है। कौन? गोवा। गोवा पुर्तगालियों से आजाद हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी एक डेट और है, कौन सी? ये है आपकी 30 मई 1987, ठीक है। 30 मई 1987 को क्या हुआ, इसे पूर्ण राज्य बना, यानी कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है, ठीक है। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसके बाद में ये 1987 में 30 मई को पूर्ण राज्य बना। और अगर पूछे ये डेट पूछी जाती है आपसे कि गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, तो गोवा आजाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है। दोस्तों समझ में आया ना? तो ये बहुत ही यानी कि दोनों ही डेट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। यहां है 20 जून यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस। जो दूसरे देश से कहीं दूसरे देश में बस जाते हैं उन्हें कहते हैं शरणार्थी। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब का है? 20 जून का, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट वाली, यानी कि 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है दोस्तों। तो ये, ठीक है दोस्तों, तो ये कब से मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है यानी कि जो 19 जून यानी 21 जून 2015 से, और इसका श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री पीएम श्रीमान कौन, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। उन्होंने विश्व रूप में योगा को महत्व दिलाया, ठीक है दोस्तों। तो ये कब से मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, पूरा सीधा सीधा आता है कि जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है, तो 21 जून 2015 से, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं 21 जून यानी कि विश्व संगीत दिवस, और ये भी कब का है, ये भी 21 जून को मनाया जाता है। और याद कैसे करेंगे इसे कि भाई आप योगा कर रहे हैं, योगा कैसे कर रहे हैं आप, एयरफोन लगा के, कैसे, एयरफोन लगा के आप योगा कर रहे हैं, तो दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं, तो दोनों काम यहाँ भी साथ साथ में हो रहे हैं। 21 जून को योग दिवस भी है और 21 जून को संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप रिलेट कर लेना। आगे चलते हैं 23 जून अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। दोस्तों पिछली बार यानी कि 3 उसको हुआ था, ठीक है। तो 23 जून को क्या है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। कब है? 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ स्थापना, पहले समिति हुई थी अब ये संघ स्थापना, ठीक है दोस्तों। बात चलते हैं आगे,
हाँ, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कई बार पूछा जाता है, इसका जो मुख्यालय वो है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। हाँ स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और जो पहली बार हुए थे ये तो पेरिस में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय ज्यादातर पूछा जाता है कहाँ, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, ठीक है दोस्तों। यहां तक पहुंच गए। अब 27 जून यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे, ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 27 जून को, ठीक है। 27 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे, ठीक है। 28 जून की बात करते हैं, कब की? 28 जून की। 28 जून को मनाया जाता है गरीब दिवस। कौन सा? गरीब दिवस। अबे यानी कि पुअर डे क्यों मनाया जाता है? हमारे जो एक पीएम है पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव जो हमारे जो पीएम रह चुके हैं, हमारे जो 10वें पीएम है वो है पीवी नरसिंह राव, उनके जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था 28 जून को। कब हुआ था? ये हुआ था जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी, यानी कि 1921 को, ठीक है। हड़प्पा की अगर खुदाई पूछी जाती है तो 1921 को ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप यहां से याद कर लेंगे। तो 28 जून को क्या हुआ? पीवी नरसिंह राव का जन्म हुआ और उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, यानी कि गरीब दिवस, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 10वें पीएम है, यानी कि 10वें पीएम रह चुके हैं ये। इनका जो कार्यकाल है वो कौन सा है? यानी कि जो बाबरी मस्जिद गिरी थी उससे 1 साल पहले, यानी कि 1991 से लेके 1996 तक इनका जो कार्यकाल है, ठीक है दोस्तों। तो इनका जो कार्यकाल कौन सा है? ये है, ठीक है। अब जो इनकी मृत्यु होती है वो होती है दोस्तों 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 2004 को, ठीक है। 23 दिसंबर 2004 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका है? पीवी नरसिंह राव का, ठीक है, जो हमारे यानी कि 10वें पीएम रह चुके हैं। अब एक आता है आपका 29वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो ऐसे मनाते हैं 29 जून को। कब? 29 जून को जो हमारा डाटा आता है वो सांख्यिकी की ओर से आता है जो, ठीक है, उसी दिवस में ये मनाते हैं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ मुझे लगा है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपको आगे हेल्प करेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाटा दिया गया हो आपको, जो एग्जाम के पर्पस से है वही डाटा दिया गया है। तो वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आपको आपकी हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।